उसको फर्स्ट ऑफ ऑल कंसनट्रेट करते हैं एंड बींग द सल्फाइड ओर सल्फाइड ओर है तो कंसनट्रेशन का जो मैथड है दैट इज़ फ्रोथ फ्लोटेशन मैथड जितनी भी सल्फाइड ओर्स होती हैं उनको हम फ्रोथ फ्लोटेशन मैथड से कंसनट्रेट करते हैं तो जो कंसनट्रेटेड ओर है अगेन बींग सल्फाइड ओर उसको हमें कन्वर्ट करना है रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में एंड ये होगा बाई रोस्टिंग अगर यहाँ पे हमने जिंक कार्बोनेट लिया होता तो इन प्लेस ऑफ रोस्टिंग वी विल हैव टू डू कैल्सिनेशन बट बिकॉज ये सल्फाइड और है इसलिए यहाँ पे होती है रोस्टिंग और रोस्टिंग होती है जो सल्फाइड ओर होती है मेटल की उसको हीट करते हैं अप्रोक्सीमेटली इस केस में 1200 हंड्रेड तक इसको हम हीट करेंगे इन एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन एंड जिंक ऑक्साइड फॉर्म होता है साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है ये एक मेन करेक्टरिस्टिक है कि रोस्टिंग की जब भी सल्फाइड और को हम हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो जिंक मेटलिक ऑक्साइड फॉर्म होगी एंड साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी इवॉल्व होती है अब जो ये जिंक ऑक्साइड है ऑक्साइड जो बन गया है उसको हमें रिड्यूस करना है तो रिड्यूस करने के लिए कोई स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट डालना होता है तो यहाँ पे फ्यूज करते हैं हम विद कोक मीन्स कार्बन के साथ हम इसको जिंक ऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे तो ये जो कार्बन है जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा रिस्पेक्टिव मेटल यानी कि जिंक में और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगी अब जो ये जिंक आया है दैट इज़ द क्रूड मेटल क्रूड जिंक अभी ये पूरी तरह से प्योरीफाई नहीं हुआ है तो इसको प्योर करने के लिए जो मेथड है रिफाइनिंग का रिफाइनिंग इज द प्योरीफिकेशन वो है यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग यहाँ पे टर्म आ गया इलेक्ट्रोलिटिक मीन्स ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करेंट रिफाइनिंग होगी इलेक्ट्रिक करेंट पास करके और इसके बाद में प्योरीफाइड जिंक मिल जाता है अपटू नाइन्टी तो तक प्योर इसके लिए क्या करते हैं अगेन वही मेथड जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में दो इलेक्ट्रोड्स हैं एक है uh, इम्प्योर एनोड पॉजिटिव ठीक है इम्प्योर जिंक है एंड दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड है नेगेटिव वो प्योर है प्योर जिंक इलेक्ट्रोलाइट भी इसमें हमने वही लेना है जिसका हमें जो मेटल है उसी का कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा तो यहाँ पे हमने जिंक सल्फेट ले लिया है साथ में कुछ अमाउंट सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल देते हैं जस्ट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है एंड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं ना ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करेंट रिएक्शन क्या होता है जो इम्प्योर एनोड है ये जिंक जिंक क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में आते हैं साथ में जिंक आयंस बनते हैं और फिर यही जिंक आयंस कैथोड का रिएक्शन क्या है यही जिंक आयंस इलेक्ट्रॉन को आउटर सर्किट से लेके गेन करके वापस प्योर जिंक में कन्वर्ट हो जाते हैं और यही जो जिंक प्योर है वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है मतलब एनोड से इलेक्ट्रॉन लूज किए जिंक ने इम्प्योर जिंक ने जिंक आयंस में कन्वर्ट हुआ वही जिंक आयंस इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे रिडक्शन होगा यहाँ पे कैथोड पर रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे रिड्यूस होके ये प्योर जिंक में कन्वर्ट हो जाएंगे और यही प्योर जिंक कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है और इस तरीके से ये हमें जिंक प्योरीफाइड फॉर्म में मिल जाता है दीज तो आर मेन स्टेप और जिंक ब्लेंड कंसनट्रेट किया थ्रू फ्रोथ फ्लोटेशन कंसनट्रेटेड और की रोस्टिंग करते हैं रोस्टिंग कर देंगे तो मेटलिक या जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है साथ में एसोटू इवॉल्व uh, होती है फिर उसी जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर वन सिक्स सेवन थ्री कैलविन वेरी हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो कार्बन इस टेम्परेचर पर इस जिंक ऑक्साइड को जिंक में रिड्यूस कर देगा उसी जिंक को जो रिड्यूस होकर आया है उसको हम प्योरीफाई कर लेते हैं रिफाइनिंग के थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के थ्रू और रिएक्शंस होते हैं एनोड और कैथोड पे एंड वी विल गेट प्योर जिंक दिस इज़ द होल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक